सोलन शहर में पानी की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है, जिसके चलते शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद जो शहर में पानी की आपूर्ति जो पहले तीसरे दिन करती थी, अब वह पांचवें और छठे दिन की जा रही है, जिसके चलते शहरवासी बेहद परेशान है। इस मौके पर सोलन नगर परिषद के पार्षद मुकेश वर्मा ने ही नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद और आईपीएच विभाग जनता को पानी की सप्लाई देने में पूरी तरह से विफल हो चुका है, जिसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। पार्षद मुकेश वर्मा ने कहा कि नगर परिषद और आईपीएच विभाग वर्षों से नदी में गाद आने और मोटरें जलने का राग अलाप रहा है, लेकिन आज तक दोनों से इस व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया है। नगर परिषद और आईपीएच दोनों एक दूसरे पर पानी की कमी को लेकर दोष लगाते रहते हैं, लेकिन शहरवासियों को पानी की आपूर्ति ठीक समय पर करनी है, इसके लिए कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है, जिसकी वजह से कई वर्षों से स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों विभाग सोलन की जनता को कई वर्षों से मूर्ख बनाने में लगे हैं, लेकिन अब सोलन की जनता उनकी ये लापरवाही नहीं सहेगी, क्योंकि दोनों की वास्तविकता शहरवासियों के समक्ष आ चुकी है। और ये पानी की समस्या जो सोलन शहर की है, ये आज की नहीं है। हर साल ये आईपीएच विभाग की ड्रामेबाजी सामने आती है, चाहे वो गिरी नदी हो, चाहे वो अश्विनी खड्ड हो। आज तक इसका कोई भी समाधान नहीं निकल सका है। इसके अंदर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये आईपीएच डिपार्टमेंट जो कि पानी का जिम्मेदार है, ये सुचारू रूप से जो है सप्लाई लाइन को चलाता नहीं है, नंबर एक। एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं भी, नगर परिषद लगाती है इल्जाम आईपीएच के ऊपर, आईपीएच लगाता है नगर परिषद के ऊपर, जबकि ये दोनों जिम्मेदार महकमे जो हैं, ये पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं। नगर परिषद, आईपीएच डिपार्टमेंट, ये दोनों पब्लिक के जिम्मेदार महकमे हैं, और चार चार दिन बाद, पांच पांच दिन बाद लोगों को पानी मिल रहा है। और आज की डेट में सुबह मैं खुद टैंक पर जाकर देखा, टैंक सूखे पड़े हुए हैं। लोगों के फोन बार बार हमें आते हैं, सर पानी नहीं आ रहा, सर पानी कब आएगा। पानी एक सपना रहकर रह गया है, सपना भी। पानी की फोटो ऐसी होती थी, ये महकमे की जिम्मेवारी है पानी उपलब्ध कराओ, लेकिन इसके विपरीत दोनों महकमे अपनी कमियों को छुपाने के चक्कर में गाद आ रही है जी। आज मोटरें जल गई हैं जी, आज गिरी में ये प्रॉब्लम है, अश्विनी खड्ड में ये प्रॉब्लम है। ये दोनों महकमे जो हैं, ये पब्लिक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे लोकल एमएलए माननीय डॉक्टर धनीराम शेंडिल जी अपने घरों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, लोगों को पानी मिले ना मिले ये उनका दायित्व नहीं है, क्योंकि वो अपने गांव में मस्त हुए हुए हैं। उनको ना कोई पानी की दिक्कत है, ना किसी बिजली की दिक्कत है, ना खाने की, ना कमाने की, ना किसी प्रकार की। वो लोगों के दुखों के सहभागी ना बनकर तमाशबीन बने हुए हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें भी याद दिलाना चाहूंगा भी, आप सोलन के विधायक हैं, आप सोलन के जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छः छः दिन, सात सात दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, जगह जगह लीकेज हो रही है, कौन जिम्मेदार है इसकी? इसका डायरेक्ट जिम्मेदार है आईपीएच डिपार्टमेंट और नगर परिषद सोलन। ये दोनों बच नहीं सकते, ये दोनों अपनी बातों को एक दूसरे ऊपर थोपते हैं। अगर आईपीएच के एक्शन से बात की जाए, वो बोलते हैं नगर परिषद जो है लीकेज को नहीं रोक रही। अगर पानी की बात की जाए तो नगर परिषद बोलते हैं भी आईपीएच वाले वहां को पानी नहीं दे रहे। ये दोनों डिपार्टमेंट जनता का बेवकूफ बना रहे हैं।